के खिलाफ वरिष्ठ प्रशिक्षक के निर्देश के क्रम में चलाए जा रहे अभियान के तहत एसओजी प्रभारी मनीष यादव के नेतृत्व में कैंट थाने की पुलिस ने 25,000 के इनामी गैंगस्टर वांछित पशु तस्कर अभियुक्त तौसीफ आलम को उसके साथी आसिफ शेख के साथ 3 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। ये बड़ा वाला है, अच्छा ये बड़ा है, ये छोटा है, यही मेन। छोटा था गैंगस्टर जो वांछित चल रहा था, और भी कई घटनाएं से सुन रहा थी। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी कैंट श्यामदेव ने पत्रकार वार्ता कर बताया। देखिए, एसएसपी सर द्वारा लगातार पशु तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था, पुरस्कार घोषित अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा था, वांछित अपराधियों के खिलाफ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, हम लोगों को निर्देश भी दे रहे थे मीटिंग के माध्यम से, और फोन करके भी वो लगातार निर्देशित करते थे। जो अपराधी वांछित चल रहे थे, पुरस्कार घोषित थे, एसएचओ कैंट को भी इसी क्रम में निर्देशित किया था उन्होंने, क्राइम ब्रांच स्वाट टीम को भी निर्देशित किया था। इसी क्रम में हमारी टीम लगातार पशु तस्करों के खिलाफ लगी हुई थी। इसी दौरान रात्रि में एसएचओ कैंट व इनकी टीम जो है कि इनको सूचना मिली, उधर स्वाट टीम को भी सूचना मिली कि कुछ पशु तस्कर जो है कि शहर में आए हुए हैं। उसी क्रम में इन्होंने रात्रि में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक तौसीफ आलम है जो कुशीनगर का रहने वाला है, दूसरा उसका भाई है तौफीक है आसिफ शेख है, वो भी जो है कि गिरफ्तार हुआ है कैंट पुलिस द्वारा। और ये बेसिकली ये पशु तस्करी का काम करते हैं, इसके खिलाफ लगभग आधे दर्जन से अधिक मुकदमे हैं, और अन्य थानों से भी पता कराया जा रहा है। इनके पास से 3 किलोग्राम के आसपास गांजा भी मिला है, जो पशु तस्करी के साथ साथ गांजा सप्लाई का भी काम करते थे। और ये कैंट पुलिस की एक बड़ी सफलता है, जिसके ऊपर एसएसपी सर द्वारा 25,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया गया था।